जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सभी अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रधान जिला सेवा प्राधिकरण ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है, यह जरूरतमंदों की मदद करता है। शिविर के दौरान रक्तदान के महत्व पर चर्चा की गई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आपका रक्तदान किसी के लिए जीवन दान हो सकता है, इसलिए इसे महादान भी कहा जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान शिविर का उद्देश्य सेफ और सुरक्षित ब्लड डोनेशन को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। रक्तदान शिविर में मानव सेवा के लिए 6 यूनिट रक्तदान किया गया। उन्होंने सभी लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। संवाददाता चंदन पाल रिपोर्ट। गर्मी का मौसम कैंप में लोगों का आना बहुत कम था और वहाँ जो ब्लड बैंक है वहाँ भी जनता बहुत कम पहुँच पाई है, लेकिन हमारे यहाँ 4 से 5 हज़ार यूनिट केवल थैलीसीमिया के मरीज को, जिसको वीकली डोनेशन होता है उसके लिए चाहिए, और डोनेशन हम बहुत कम ले पाते हैं। तो हम लोग अभियान के तौर पर प्रयास कर रहे हैं विभिन्न संस्था से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग में इसकी जानकारी हो और उनको जो वीकली फोर्टनाइटली जो डोनेशन का ज़रूरत होता है वो हो। और बहुत अभी और भी तरह के जो कैंसर के मरीज़ हैं और भी गरीब तरह के मरीज हैं कि जो बहुत सुदूर से दुमका से हैं, कोटा से हैं, इधर से आते हैं, गर्भवती महिला है, सिकल सेल एनीमिया भी है यहाँ बहुत ज़्यादा। मौजूदा स्थिति में कितना ब्लड है पीएमसीएच में? अभी ब्लड है, ब्लड हम लोग मैनेज कर लेते हैं, यानी हम इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं। आज कितना यूनिट यहाँ से संग्रह किया गया तो? हमारा टारगेट है कि 100 से ज़्यादा आज यहाँ हो। अब तक कितना हुआ है? अभी 6 यूनिट हुआ है। 6 यूनिट तो क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील यही करें कि सब काम छोड़ करके पहले रक्तदान को प्राथमिकता दें, और भी काम अगर है तो इस समय जो ब्लड का पूरे स्टेट में क्रंच है तो थोड़ा सा समय निकाल करके ये इंतज़ार ना करें कि छुट्टी काम होने के बाद हो जाए। काम अगर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े तो अभी आकर के यहाँ रखता है और भारी